शर्म आनी चाहिए हमें। क्या कसूर था उस 8 साल की बच्ची का कि उसे ऐसी सजा मिली। अभी तो उसने पूरी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी कि कुछ दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। शर्म आनी चाहिए हमें। मतलब ऐसी सोच, ऐसी मेंटलिटी वाले बंदे क्या होगा इन्हें, इंसान तो नहीं कह सकता इन्हें। ये वो दरिंदे हैं जिन्हें इससे भी घटिया मौत मिलनी चाहिए। इन दरिंदों ने ही अपना पूरा समाज गंदा कर रखा है। दोस्तों प्लीज़ आवाज़ उठाओ, आवाज़ बनो, पर आवाज़ उठाओ ताकि किसी और माँ बहन बेटी के साथ ना हो पाए। ऐसे लोगों को मैं नहीं बोलता कि कभी इनके घर में हो तो इन्हें पता लगे, क्योंकि वो भी हमारे घर की माँ बहन बेटियाँ हैं, बट प्लीज़ ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए आवाज़ उठाओ दोस्त, आवाज़ बनो प्लीज़। 8 साल की बच्ची का रेप हुआ है। कमाल की बात यह है कि लोग इसको धर्म का नाम देके यूज़ कर रहे हैं। भगवान जाने, डू यू रियलाइज़ जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, उस 8 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, उसकी क्या हालत हुई होगी। भगवान ना करे, आपकी वो बहन हो सकती थी, आपकी बेटी हो सकती थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जिन लोगों ने ये किया, क्या सोच के, कौन सी मेंटालिटी रखते हो तुम लोग? आई डोंट नो क्या होगा आगे। आई डोंट नो इफ देयर विल एनीथिंग। आई डोंट नो क्या होगा सच्ची में, बट देयर हैज टू बी समथिंग डन। कुछ ना कुछ करना होगा। दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। एंड आप लोगों को भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। एवरी वन ऑफ अस, यू मी एवरी पर्सन, नॉट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन बट सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। This is disgusting, heartbreaking. क्या बोलूं मैं? वालेकुम। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली, आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कहे